आरके के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार और साबित कर दिया है कि उनका दबदबा अभी भी बरकरार है, क्योंकि सोलन जिला में भाजपा ने 5 में से 4 बीडीसी पर भगवा लहराने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कुनिहार में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 23 में से 8 पर ही भाजपा सिमट गई। वहीं वीरभद्र सिंह से आशीर्वाद प्राप्त कर चुनावी रण क्षेत्र में उतरे 15 बीडीसी सदस्यों ने जीत हासिल कर भाजपा को हाशिए पर डाल दिया। आज पीडीसी कुनिहार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया गया, जिसमें कांग्रेस सोमा देवी को अध्यक्ष और नारायण सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। भाजपा को जिला में केवल कुनिहार में हताशा हाथ लगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुनिहार के कदावर नेता राजेंद्र सिंह ठाकुर ने ताल ठोककर कहा कि उनकी ये जीत आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और भाजपा का यही हश्र विधानसभा चुनावों में होगा। कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि अर्की के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही वजह है कि उनके नाम और उनके द्वारा किए गए कामों को देखकर जनता मतदान करती है। ये सिलसिला आज भी जारी है। यही वजह है कि कुनिहार में भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की बीडीसी बनी है। उन्होंने कहा कि सोलन में 3 जगह कांग्रेस की बीडीसी बन सकती थी, लेकिन भाजपा ने छल और बल का इस्तेमाल कर कांग्रेस के रणनीतिकारों को चकमा दिया, जिससे उन्होंने सीख ली और अपने जीते 15 सदस्यों को एक साथ रखा और भाजपा उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह को भेद नहीं कर पाई और उनका छल बल धरा का धरा रह गया। कांग्रेस को जो बहुमत मिला है, ये 16 माह बाद आने वाले चुनावों में भी ऐसा ही बहुमत मिलेगा और भाजपा को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, वो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके जो नाम और उनके जो काम है उस पर ही ये सारी जो वोटिंग होती है पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने हम एक बहुत एक नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं वीरभद्र के नाम पर वो डलती है। और ये हालांकि ये विधानसभा क्षेत्र खुद ही उनका है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो ये हमें बीडीसी में जो एक पूर्ण बहुमत मिला है, इसका पूरा श्रेय में माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को और प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह राठौर जी को देता हूँ। जो वर्तमान पार्टी सरकार जो भाजपा की है, उन्होंने बड़े छल दल बल सारे हथकंडे अपनाकर इनको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो इस पर टिके रहे हैं और उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी के हक में मतदान करके 15 सदस्यीय राउंड अबाउट हमारी 9 वोटों से हमारी ये सॉरी 8 वोटों से जीत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, लेकिन एक अच्छा परिणाम है जो अर्की विधानसभा क्षेत्र का मिला है। इसका मैं पूरा अर्की की जनता और पंचायत समिति का धन्यवाद करता हूँ। हमारी पूरी जिला सोलन में हमारी 3 जगह पर पंचायत समिति बन सकती थी, लेकिन जो रणनीतिकार थे वो कहीं ना कहीं चकमा खा गए, और जिस तरीका का ये जिन्होंने छल बल दल प्रयोग किया, इसका उसी तरीके से जवाब देना चाहिए था जो यहाँ की हमने दिया। हमने पूरा कवच बनाकर अपने जो सदस्य थे उन पर लास्ट टाइम तक बना के रखा। उन्होंने पूरी कोशिश की किसी ना किसी तरीके से प्रशासन से सरकार से सब कुछ बल से किसी ना तरीके से इन्होंने बीडीसी के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद थे इसको छीनने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके। यह हमारा जो कुल हमारे 23 सदस्य जो हमारी पंचायत समिति है उसमें से कुल 15 तो डायरेक्ट और एक जो रिजेक्ट हुई है अप्रोक्ष रूप से वो भी हमारे को ही थी, तो ये 16 आउट ऑफ 23 जो हमें पंचायत समिति की जो सीट मिली है इसका डायरेक्ट सीधा सीधा प्रभाव कि 16 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 18 महीने बाद हमारे चुनाव लंबित हैं। तो ये तो दिखता ही कि हिमाचल प्रदेश में भी पूरी कांग्रेस पार्टी की लहर और अर्की में जो ये मैंडेट मिला है ये पूरा पार्टी के पक्ष में, और इसका असर 2022 में पड़ेगा ही पड़ेगा।